वेबसाइट में आने के बाद आप लैपटॉप i7 करके सर्च करिए एंड आपको दिखाई देगा बहुत सारा i7 का। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईटी टू यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है तरुण एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारा जो भी प्रोसेसर है उसको हम कन्वर्ट करके i7 कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मेरा मान लीजिए मेरा प्रोसेसर है इंटेल कोर i3 5005U 2.30 GHz का, जिसको हम कन्वर्ट करके कैसे हम i7 में कर सकते हैं। तो पहले तो हम कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेते हैं, उसके बाद फ्लिपकार्ट या अमेजोन कोई भी एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट विजिट करिए। जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट खोलता हूँ, वेबसाइट में आने के बाद आप लैपटॉप i7 करके सर्च करिए एंड आपको दिखाई देगा बहुत सारा i7 का लैपटॉप। कोई भी एक लैपटॉप चूज़ कर लीजिए। चूज़ करने के बाद जो भी इसके स्पेसिफिकेशन है वहाँ पे जाइए। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोसेसर का नाम कोर i7 एंड प्रोसेसर जनरेशन 9th जनरेशन एंड इसका जो प्रोसेसर वेरिएंट है वो है 9750H। तो इसको हम एक नोटपैड में हम पहले एंट्री कर लेते हैं कोर i7 एंड इसका वेरिएंट है 9750H एंड इसका जो क्लॉक स्पीड है वो है 4.5 GHz का। तो इसलिए मैं यहाँ पे 4.50 GHz लिख लेते हैं, ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं। प्रोसेसर नेम को नोट करने के बाद अब हमें हमारा कीबोर्ड से विन की प्लस R दबाना है एंड यहाँ पे लिखना है REGEDIT रजिस्ट्री एडिट, लिख के एंटर प्रेस करना है एंड ES में दबाना है। उसके बाद ये कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद H की लोकल मशीन में जाना है हमें, जैसे कि ये जो हमने कोलैप्स किया इसको। उसके बाद हार्डवेयर में जाना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाना है, उसके बाद सिस्टम में जाना है, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसर में जाना है। यहाँ पे हमें 0 से 3 तक दिखाई दे रहा है, इसमें से हम सिर्फ 0 को लेंगे। 0 में जाते हैं, 0 में हम सर्च करेंगे यहाँ पे नेम के ऊपर प्रोसेसर नेम स्ट्रिंग, इसको हम सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके एंड ये देख सकते हैं हमारा जो भी प्रोसेसर का नाम है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेसर नेम को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो हमारा प्रोसेसर का नेम है इंटेल, इसको रहने देते हैं कोर TM तक रहने देते हैं। उसके बाद i3 को काट के 3 को काट के 7 करते हैं एंड उसके बाद हमारा जो भी प्रोसेसर का जो वेरिएंट है उसको दे देते हैं 9750H। उसके बाद जो गीगाहर्ज है उसको हम चेंज करते हैं 4.50 लिखते हैं। इसके बाद ओके पे प्रेस करते हैं एंड इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम इस नोटपैड को भी क्लोज कर देते हैं एंड इसको डोंट सेव करते हैं। अब हम फिर से जो हमारा कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ है, सिस्टम प्रॉपर्टीज़, वहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसे काट देते हैं एंड फिर से हम कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं क्योंकि वो पहले से ही खुला हुआ था। तो इसमें राइट क्लिक करते हैं एंड प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करते हैं। अगर आपका यहाँ पे कंप्यूटर दिस PC या माई PC है तो वहाँ पे भी क्लिक करके राइट क्लिक करके सिस्टम प्रॉपर्टीज़ चूज या प्रॉपर्टीज़ चूज़ कीजिए। उसके बाद ऐसा कुछ खुल जाएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो भी प्रोसेसर का नाम है वो चेंज हो चुका है, इंटेल कोर i7 9750H CPU 4.50 GHz। कुछ भी। तो ऐसे ही आप आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को चौंका सकते हैं ऐसे कुछ ट्रिक के साथ। तो आशा करते हुए ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड ये सिर्फ फन पर्पस के लिए था एंड ये छोटा सा एक ट्रिक था जो मैं जानता था इसलिए आपको ये बोल दिया। आशा करते ये वीडियो आपको मज़ेदार लगा होगा एंड इस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होगा आपका कंप्यूटर का। तो इस ट्रिक को अप्लाई करने से पहले आपका जो भी पहले का नाम था वो कॉपी करके एक जगह रख लीजिए, उसके बाद इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए ताकि आपको अगर फिर से वही फेज में जाना है तो आप जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि ऐसा भी कुछ ट्रिक होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। The storms we chase are leading us. And-